तो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं आज इस क्लासेस में कि जो हमारे पास एक हमने फाइल बनाई हुई है जिसमें एक लॉगिंग बटन है कि मैं यहाँ पे लॉगिंग करके मैं अपना यूजर आईडी चेंज कर सकता हूँ, राइट? क्या सर? यहाँ पे जो मैं जो आईडी डालूंगा उसी हिसाब से मुझे सीट का एक्सेस मिलेगा, मिल गया सर? बट प्रॉब्लम क्या होता है कि जब मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ मैं इसे क्रॉस भी कर सकता हूँ, तो मैं चाहता हूँ क्रॉस डिसेबल। एक बार आपने लॉगिन पे क्लिक कर दिया तो है तो गेस्ट लॉगिन से बाहर आ सकते हैं या फिर आपको यहीं से क्रॉस करना, यहाँ से क्रॉस आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो कैसे करें? तो अरे इवेंट से होता है। हाँ, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे डेवलपर पे और अपनी प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे। यहाँ पे पासवर्ड है ना, ये पासवर्ड को खोलेंगे, मैं इसको जाएंगे पासवर्ड से खोलेंगे, फॉर्म पे आएंगे, यूजर फॉर्म पे आएंगे और इस फॉर्म पे डबल क्लिक करके यहाँ पे एक आता है क्यूरी क्लोज, ठीक है ना, क्लोज पे आएंगे। अब क्यूरी क्लोज पे हमने किया कि हमें देंगे कंडीशन, देंगे कि इफ क्लोज मोड, क्लोज मोड, क्लोज मोड इज इक्वल टू, मोड सही है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। हाँ, इक्वल टू हम यहाँ पे देखेंगे वीवी फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल मेन, कैंसल इक्वल टू ट्रू होगा, CANCEL to, यहाँ पे हम मैसेज दे देंगे, मैसेज भी दे सकते हैं MS MSG box नॉट आउट, और यहां पे आएंगे। क्लियर है सर? अब मैं इसको एक बार आजमा के देखता हूं, जाता हूं इस पे क्लिक किया, मैं इस पे क्लिक करता हूं, लिखा, लेकिन इसमें मैं अगर दे दिया एडमिट, यहाँ पे मान लीजिए मैं देता हूँ, क्लियर सर। क्लियर? जब वो यूज का बटन है एक्टिव ना हो तो सर कैसे लिखना पड़ेगा सर कोड? क्या एक्टिव ना मतलब? वो एक्टिव नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा। हाँ मतलब कि जब आपने लॉगिन कर दिया तो फिर यहाँ पे हाँ हमें तो मेन पर्पस था ना कि हमारा ये यूजर फॉर्म को क्लोज करना, ये था ना मेन पर्पस। जी सर, जी सर। तो अब क्लोज बटन से नहीं होगा, बाकी कोई दिक्कत है तो उसको और तरीके से देख लेंगे हम। ठीक है, ठीक है सर, ठीक आपको क्लियर हुआ तो इसको कोड को समझ लीजिए एक बार कि कोड क्या है हमारा। है। हाँ, कोड समझना पड़ेगा सर। तो कोड में यहाँ पे हमारा ये है कि क्लोज, यहाँ पे देखिए हमने दिया क्यूरी क्लोज, इवेंट किया क्यूरी क्लोज, मतलब कि जब फॉर्म क्लोज करने भी क्या कोड चलना चाहिए, तो ये बाकी अपने आप आ जाता है। फिर
यहाँ पे हमने लिखा कि इफ क्लोज मोड इक्वल टू वीवी फॉर्म कंट्रोल, क्योंकि फ्लो फॉर्म तो क्लोज करना है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये कंडीशन नहीं लगाएंगे तो दिक्कत क्या होगा सर? दिक्कत ये होगा कि फिर हमें नॉर्मल तो हमें क्लोज करना है, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी सर। तो इसलिए हमने यहां पर दिया कि इफ क्लोज मोड इक्वल टू वीवी फॉर्म कंट्रोल मेनू देन यहां पे कैंसिल जो ट्रू होना चाहिए, हमने बोला कैंसिल को ट्रू कर दो जी सर। ठीक है, और फिर यहां पे मैसेज बॉक्स दे दिया और यहां पे हमने एलिफ कर दिया। ओके ठीक है सर, कोई डाउट नहीं? ओके सर, क्लियर सर। ठीक है सर, तो फाइल को हम क्लोज करते हैं। ओके, तो लास्ट क्लास में टॉपिक हमारी चल रही थी, तो हमने प्रोजेक्ट किया था उससे पहले एक कल भी कल की क्लास में प्रोजेक्ट किए थे ना सर, नोट पैड को रीड करने का। हेलो, तो नोट पैड को रीड करने समझ में आ गया ना आपको कैसे करते हैं? जी सर, मगर प्रैक्टिस नहीं किया सर उसमें। हाँ, प्रैक्टिस तो सर आप ही करेंगे ना, वो हम थोड़ी करेंगे। जी सर, क्या क्या सर, प्रैक्टिस तो आप ही लोग करेंगे ना? जी सर, जी सर। वो तो है सर। एक प्रोजेक्ट और हमारे पास आया है सर, वो भी एक देखिए प्रोजेक्ट पूरी धांसू है सर। एक प्रोजेक्ट आया है पूरा इनवाइजिंग सिस्टम का, समझे? इनवाइजिंग सिस्टम मतलब कि जैसे कि हम स्टोर है, वो पूरा की पूरी अपने स्टोर मेंटेन करना चाहता है एक्सेल में। तो उनका एक मैंने कि जैसे कि उनके पास जब भी मटेरियल परचेज करते हैं उसका लिस्ट आना चाहिए, सेल करते हैं उसका लिस्ट आना चाहिए, इनवॉइस ऑटोमेटिक क्रिएट होना चाहिए, जीएसटी अपने आप उससे डिडक्ट होना चाहिए, जैसे कि इनवॉइस का बिल होता है वो बिल निकलना चाहिए, समरी निकलना चाहिए। तो वो अभी जो है आपके साथ डिस्कस नहीं करेंगे, आप लोग खुद से करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे थे मैसेज बॉक्स के बारे में। तो मैसेज बॉक्स समझ में आ गया था? मैसेज बॉक्स के बाद हम बात करते हैं इनपुट बॉक्स के बारे में।